नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। MP में प्लेन से तीर्थ, ज्यादातर यात्री निकले BJP नेता। जिला अध्यक्ष के रिश्तेदार शामिल लिस्ट में तमिलनाडु, महाराष्ट्र के भी नंबर। मध्य प्रदेश में सरकार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करा रही है। 21 मई 2023 को यात्रियों का पहला ग्रुप राजधानी भोपाल से प्रयागराज गया था। इसमें 32 लोग शामिल थे। हमने इन 32 यात्रियों की लिस्ट की छानबीन की तो हमें यह तीन बातें पता चली। पहला, यात्रियों में BJP नेताओं के कुछ रिश्तेदार शामिल हैं। दूसरा, ये 8 यात्री सीधे BJP से जुड़े हैं और पदों पर भी रहे हैं। तीसरा, ये ज़्यादातर यात्रियों ने कबूल किया कि उनका नाम लिस्ट में किसी BJP नेता के कहने पर शामिल किया गया था। इसके अलावा 32 में से 2 नंबर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से निकले। इन लोगों ने कहा कि हम यात्रा में गए और ना ही कभी मध्य प्रदेश आए हैं, यात्रा में गए। ब्रजमोहन पचौरी नाम के यात्री ने खुद को BJP के भोपाल जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी का चाचा बताया। हमने इस बारे में सुमित पचौरी से बात की। उन्होंने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तीर्थ दर्शन योजना में नहीं गया है, अगर कोई गया है तो मेरी जानकारी में नहीं है। इसके बावजूद ज़्यादातर यात्रियों का BJP से जुड़ा होना सिलेक्शन पर सवाल खड़े करता है। 23 फरवरी को CM ने कहा था, यात्रा फिर शुरू हुई, इस बार प्लेन से ले जाऊंगा। प्लेन से तीर्थ यात्रा का ऐलान CM शिवराज सिंह चौहान ने 23 फरवरी 2023 को उज्जैन के महिदपुर के एक कार्यक्रम में किया था। उन्होंने पंच से कहा, बुजुर्गों, तीर्थ दर्शन यात्रा फिर शुरू हो गई है, इस बार अकेले रेल से नहीं ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा। इसके बाद पहली बार किसी राज्य के सरकार के खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई। धार्मिक न्यास और धर्मध्वस्त विभाग ने 12 अप्रैल 2023 को यात्रा से जुड़े सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक यात्राओं को चुनने के 2 क्राइटेरिया है। पहला, यात्री की उम्र 65 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वो इनकम टैक्स ना देता हो। सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। ये भी कहा जाता है कि तय संख्या से ज़्यादा आवेदन आने पर यात्रियों का सिलेक्शन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ADR की रिपोर्ट, राज्यसभा के 12% सांसद AAP के 33% सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल। अरबपति इनमें 6 भाजपा, 4 कांग्रेस और 3 केस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्यसभा के 225 सदस्यों में 27 यानी 12% अरबपति है। अरबपति सांसदों में सबसे ज़्यादा संख्या भाजपा के सदस्यों की है। 225 में BJP के 85 सदस्य हैं, जिनमें 6 यानी 7% सांसद अरबपति हैं। कांग्रेस के 30 सदस्यों में से 4 यानी कि 13% अरबपति हैं। YSR कांग्रेस के 9 में से 4 मतलब 44%, आम आदमी पार्टी के 10 में से 3 मतलब 30% और BRS के 7 में से 3 मतलब 43% सांसद अरबपति हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरबपति सांसद आंध्र प्रदेश 45% और तेलंगाना 43% में है। 33% सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केस इन 225 सांसदों में से 75 मतलब 33% के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। 41 सांसदों यानी करीब 18% के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। वहीं 2 सांसदों पर हत्या, IPC की धारा 302 का केस और 4 के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हुए हैं। राज्यसभा के मौजूदा सांसदों की औसतन प्रॉपर्टी 80.93 करोड़ रुपए है। BJP के औसतन सांसदों की प्रॉपर्टी 30.34 करोड़ है। कांग्रेस के 30 सांसदों की औसतन प्रॉपर्टी 51.65 करोड़, तृणमूल कांग्रेस के 13 सदस्यों की औसतन प्रॉपर्टी 3.55 करोड़, YSR कांग्रेस के 9 सांसदों की प्रॉपर्टी 395.68 करोड़, भारत राष्ट्र समिति के 7 सांसदों की प्रॉपर्टी 799.46 करोड़ रुपए है। तो बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगली खबर। बच्चों में बढ़ रहा है आई फ्लू का रिस्क।
स्कूली बच्चों का रखे खास ख्याल, तो आइए ये फॉलो करें 5 टिप्स। देशों के कई राज्यों में बच्चों को आई फ्लू का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। इन दिनों दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में काफ़ी बारिश हुई है। इस मौसम में हाइजीन कम होने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिससे यह इन्फेक्शन फैलने लगता है। वहीं बच्चे फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ग्रुप में रहते हैं, ऐसे में पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई है। ये एक दूसरे में फैलता है, आँख छूने से वायरस हाथ में चिपक आता है और जब आँखों को छुएंगे या कीचड़ साफ करेंगे तो आई फ्लू फैलता है। मान लीजिए एक आँख में कंजंक्टिवाइटिस है और उसे हाथ से छूने के बाद बच्चा उसी हाथ से दूसरी आँख छू लेता है तो इन्फेक्शन उसमें भी हो जाएगा। अगर उसी हाथ से किसी दूसरे को छू लिया तो रिस्क उसमें भी होने का बढ़ जाता है। आई फ्लू वायरस इन्फेक्शन है, इसलिए तेजी से फैलता है। कई लोगों को भ्रम रहता है कि जिसकी आँख उठ आई है उसे देख लेंगे तो उनकी भी आँख इन्फेक्टेड हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई फ्लू देखने से नहीं, छूने से फैलता है। बच्चों को कंजंक्टिवाइट से बचाने के लिए क्या करें? बच्चे को बार बार हाथ धोने के लिए कहें। बारिश की बूंदे और छींटों से बचने के लिए छाता और रेनकोट का यूज़ करें। बच्चों को हाथ से आँख रगड़ने से मना करें। साफ करने के लिए टिश्यू या रुमाल का यूज़ करें। बच्चे प्रिस्क्रिप्शन चश्मा पहनते हैं तो उनके लिए हल्के टिकाऊ और वाटरप्रूफ फ्रेम चुनें। बच्चों को 20-20 नियम फॉलो करवाएं। इनमें हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट किसी चीज़ को देखें। घर को साफ और प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। पर्सनल चीज़ें जैसे रुमाल, तौलिए, तकिए और चश्मा किसी से शेयर ना करें। बच्चे को ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी फूड खिलाएं। इन्फेक्टेड पर्सन से बच्चे को दूर रखें। बारिश के मौसम में बच्चे को इंडोर गेम्स खेलने को कहें। बच्चे को पब्लिक स्विमिंग पूल में ना जाने दें और बच्चों को पालतू जानवरों से भी दूर रखें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक तथा अन्य प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewslive.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।